Hey everyone so सो we will विल डिस्कस अबाउट एलेनिश work वर्क Criticism in इन Wilderness तो जैसे कि आपको पता होगा और अगर आपको नहीं पता है तो हम इसे डिस्कस करते हैं कि जो इलेनिश वॉल्टर हैं शी इज़ अ feminist और ये एक अमेरिकन थ्योरिस्ट है जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ाई करी थी एंड शी वॉज बॉर्न इन तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन थ्योरिस्ट थी और एक फेमिनिस्ट थी तो इनका जो वर्क है ये वुमेंस के ऊपर डिपेंड है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो फेमिनिस्ट रही थी उनसे वो इस तरीके से क्योंकि जो बाकी थी उन्होंने कहीं ना कहीं वुमेंस के लिए प्रोटेस्ट किया था कि उनको ये राइट्स मिलने चाहिए जो भी लिटरेरी वर्क लिखे गए थे उनमें किस तरीके से उन्हें पोर्ट्रेट किया गया था या फिर उनके एजुकेशन से रिलेटेड तो सब उसके लिए कहीं कही ना कहीं बात करते हैं उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी लेकिन जो एलेनिश वाल्टर हैं इन्होंने जो इनका वर्क है ये इसके लिए नहीं था बल्कि इनका एक वर्क था कि किस तरीके से अब तक जितने भी मेल सेंट्रिक जो हमारा वर्ल्ड था उस टाइम का विक्टोरियन एज का मेनली नाइनटीन के आसपास का तो उस टाइम पे कैसा जो मेल सेंट्रिक था जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से वुमेंस को पोर्ट्रेट कर रही थी और इन्होंने एक नई टर्म कॉइन आउट करी थी जिसे इन्होंने क्रिटिसिज्म कहा था कि वुमेंस के वर्क को ही क्रिटिसाइज़ किया जाए उनका ही एनालाइज किया जाए और वुमेंस ही करें उस चीज़ को तो ये जो जेनो क्रिटिसिज्म था या फिर क्रिटिक्स था ये रेफर करता है एक ऐसी लिटरेरी स्टडी के लिए कि जहाँ पर वुमेंस एज अ ऑथर जहाँ पर उनकी स्टडी हो फोकस करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो वुमेन्स राइटिंग है एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ फीमेल रियलिटी, कि जो इन्होंने लिखा है वो उनकी रियलिटी है कुछ ने इसे इस तरीके से देखा कि जो फीमेल्स के प्रोस्पेक्टिव हैं ये उस तरीके से लिखा गया है उससे पहले के जो वर्क होते थे उसमें क्या होता था कि मेल ऑथर्स के वर्क को एनालाइज किया जाता था एक फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव से तो जो जिन्होक्रिटिसिज्म था ये चाहता था कि एक ऐसा ट्रेडिशन इस्टेब्लिश हो जहाँ पर वुमेन को विदाउट इन्वॉल्विंग मेल राइटर्स की हम मेल राइटर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे एक ऐसा ट्रेडिशन स्टार्ट हो जहाँ पर हम वुमेन को ही इन्वॉल्व करें वुमेन के ही वर्क को पढ़ें और फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ें ना कि मेल के वर्क को फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ें तो ये जो शवाल्टर का वर्क था ये इन्वॉल्व नहीं करता है कि मेल्स के बिलीव्स क्या थे क्योंकि अगर आप किसी मेल ऑथर की वो किसी बुक को या नॉवल को उनके वर्क को अगर क्रिटिसाइज करते हैं एनालाइज करते हैं तो उसमें जो वुमेन का पोर्ट्रे है वो कहीं ना कहीं वो एक सेंटर की तरीके से है मेल प्रोस्पेक्टिव की तरीके से है विच इज़ ऑलवेज लाइक ऑब्जेक्टिव कि जो फीमेल्स हैं दे शो दैम एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेल प्रोस्पेक्टिव क्योंकि वो एक मेल सेंट्रिक व्यू था तो इन्होंने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया है अपने वर्क में जो हम आगे डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं इनके वर्क के बारे में तो इनका जो लिटरेरी वर्क था इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया है लिटरेचर ऑफ देयर ओन यहाँ पे देर का मतलब वुमेन की बात कर रहे हैं ये कि अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन वुमेन राइटर्स फ्रॉम ब्रोंटे टू लेजिंग तो ब्रांटे का हमें पता ही है तो वह, वहाँ से लेके लेजिंग तक के जितनी वुमेन्स रही हैं इन्होंने उन्हीं के वर्क को एनालाइज करने के लिए इस लिटरेचर के वर्क को लिखा था कि हम वुमेन को ही एनालाइज करेंगे और बाय अ वुमेन और आगे इन्होंने कहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ये सबसे आइसोलेटेड है क्यों है इसके बारे में इन्होंने बोला है इनका जो मेन फोकस था वो इनका था कि जो फेमिनिस्ट स्टडीज़ है नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी की हम उसको सेंटर करें उसका फोकस करें फीमेल ऑथर्स पर तो उस टाइम पे जो पोजीशन थी मेनली ये बात हो रही है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो फोकस का सेंटर था वो ब्रिटेन नहीं बचा था बल्कि जो जो हमारी पावर थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था वो शिफ्ट हो गया था ब्रिटेन से यूएस साइड में तो उस टाइम पे कैसे कैसे चेंजेस हो रहे थे तो उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो एकेडमिक एरिया था उसके बाहर अकेडमी के आउटसाइड पर कुछ वुमेन मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे ब्लैक पावर वूम मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे कि वुमेन के लिए प्रोटेस्ट होने लगा था तो ये उस टाइम की बात करती हैं सबसे पहले ये बोलती हैं कि जो वुमेन स्कॉलर हैं उन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि वो अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही थी कि उनकी पोजीशन क्या है वो भी एकेडमी में जहाँ पर उनकी कोई वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे क्योंकि वो पेट्राडिकल सोसाइटी थी तो उन्होंने कहा कि इसको इससे बचने के लिए कि तुम्हारी यहाँ पर स्कॉलर में अपनी पोजीशन तुम्हारी कोई है नहीं तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या कहा कि जो वुमेन्स स्कॉलर्स हैं उन्हें एक ऐसा एरिया क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए हर सेल्फ के लिए एक ऐसा एरिया क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर उनकी जो वैल्यू हो उनकी जो पोजिशन है वो देखी जाए और उसके लिए क्या है इन्हें जो पेट्रारकी है उससे अलग होना पड़ेगा उसके बाद वो बात करती हैं कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है इनकी जो कि नाइनटीन फोटीज़ और नाइनटीन फिफ्टीज़ की है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम है जिन्होंने बताई हैं कि जो लिटरेरी हिस्ट्री है वो एक फ़िक्शन की तरह इन्होंने कंसिडर किया है कि फिक्शन मतलब जो चीज़ लिखी गई है बनाई गई है फैक्ट नहीं है तो जैसे कि हिस्ट्री है अब तक जो की जो वूमेंस की हिस्ट्री है वो भी एक फ़िक्शन की तरह ही है क्योंकि वो एक मेल प्रोस्पेक्टिव से लिखी गई थी कि मेल क्या सोचता है फीमेल से रिलेटेड क्योंकि उसमें अब तक हमने जितने भी राइटर्स को एनालाइज कर रहे थे किसी भी जैसे कि हमने किसी एक राइटर को ले लिया हमने उसके वर्क में एक फीमेल कैरेक्टर को ले लिया कि उसने उस कैरेक्टर को किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है वो उसकी हैबिट्स क्या हैं पढ़ाई करती है नहीं करती है बुक्स हैं उसके पास नहीं है उसके तरीके तो इन सब में क्या दिखाई देता है इन सब में दिखाई देता है कि एक मेल ऑथर किस तरीके से चाहता है पोर्ट्रेट करना किसी फीमेल को लेकिन इनके वर्क में इन्होंने फोकस किया है फीमेल्स कि ऑथर जो है फीमेल ऑथर अपने वर्क में किस तरीके से फीमेल्स को पोर्ट्रेट कर रही हैं उसके बारे में उसके बाद ये बोलती हैं कि जो इनका ये फेमनिस्ट क्रिटिसिज्म है वाइल्डनेस इन वाइल्डनेस ये टारगेट था ना सिर्फ वुमेन्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं एकेडमिक फ्रेमवर्क में कि जो फेमिनिस्ट थियोरीज की जो क्वेश्चन है मैथोडोलॉजी है इन सब की जैसे कि कोई ना कोई एक एजेंडा होता है हर एक थ्योरीज का हर एक थ्योरिस्ट का जैसे कि अगर हम मार्क्सिस्ट की बात करें तो उनका पूरा जो फोकस होता था वो प्रेफर करते थे कि जो आइडिया ऑफ क्लास है वो हर चीज़ के ऊपर रखते थे जो मार्क्सिस्ट थ्योरीज है कोई भी है मार्क्सिस्ट अगर आप उसमें देखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के हिसाब से तो जो उनका आइडिया ऑफ क्लास है वो हर चीज़ के ऊपर है राइट जब कोई इंसान लिख रहा था उसने एक टेक्स्ट लिखा है और जब ये एनालाइज़ करते हो अपनी मार्क्सिस थ्योरी के हिसाब से तो वो आइडिया ऑफ क्लास सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी फीमेल्स के बारे में देखेंगे कि उनका भी एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होगा जिसमें वो इस तरीके से देख सकते हैं उसको इन्होंने कहा कि इनका जो फर्स्ट काइंड ऑफ कंसर्न था वो था वुमेन एज अ रीडर तो इसे इन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट क्रिटिक कि जो रीडर है हम हम भी फीमेल होंगे और हम किसे पढ़ेंगे और सेकंड कर्सन क्या था इनका वुमेन एज अ राइटर जिसे इन्होंने कहा क्रिटिक्स तो हम पढ़ने वाला भी एक फीमेल है और लिखने वाला जो हम, जिसका हम वर्क पढ़ रहे हैं वो भी लिखा हुआ भी एक फीमेल ने है तो उसी को इन्होंने जेनोक्रिटिक्स का नाम दिया था जेनोक्रिटिसिजम का नाम दिया था कि जो उनका वर्क है एक ऐसी जगह एक ऐसा वुमेन सेंटर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग लिटरेरी वर्क जहाँ पर जिसका पूरा एम है कि पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को देखा जाए कि किस तरीके से एक वुमेन ने उसमें लिखा है किस तरीके से उसमें आर्ग्यूमेंट हुआ है ऐसा नहीं है कि जो ये जो जिन्हें क्रिटिसिज्म था ये बिल्कुल ही एक ऐसी जगह की वो करता है जहाँ पर सेक्सलेस सेक्सलेस हो जाए कोई भी बुक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रेमवर्क फॉर द एनाइजिस ऑफ फीमेल्स लिटरेचर इसका पूरा काम यह था कि एक फीमेल फ्रेमवर्क बनाया जाए जहां पर फीमेल्स के ही लिटरेचर को एनालाइज किया जाए क्योंकि एक नया डेवलपमेंट था एक नया डेवलप था एक नए तरीके का मॉडल था जिसे कि डेवलप किया गया था उसका बेस क्या था कि हम स्टडी करेंगे फीमेल्स के एक्सपीरियंसिस को राधर देन टू अटैप्टेल्स मॉडल की मेल क्या देखते हैं उनके क्या एक्सपीरियंस है उसकी जगह पर हमें देखना था कि फीमेल्स के एक्सपीरियंस क्या क्या है स्टॉप ट्राइंग टू फिट वुमेन बिटवीन द लाइन्स ऑफ मेल ट्रेडिशन एंड फोकस इंस्टेड ऑफ द तो इन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क में हम ये नहीं एक जो लाइन थी कि मेल और फीमेल की हम उसे हटा के देखेंगे हमारा फोकस फीमेल्स पर होगा मेल ट्रेडिशन को हम हटा देंगे लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिनोक्रिटिक्स हैं इनका गोल ये नहीं है कि इरेज कर दे डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल्स की राइटिंग को उनके को उनके इरेज करना इनका बिल्कुल भी मोटिव नहीं था देना इन्होंने कुछ तीन तरीके के फेज बताए हैं शॉल्टर ने शवाल्टर ने, ने कि जब इन्होंने ट्रेस किया हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर कि वुमेन ने कितने लिटरेचर अब तक लिखे हैं या फिर लिख रही हैं तो इन्होंने उन सभी वुमेन्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया फर्स्ट है फेमेनाइन तो फेमिनाइन फेज़ को इन्होंने एटीन से एटीन तक रखा है इन्होंने कहा कि ये जो फेज़ था इस टाइम पे जो वुमेन लिख रही थी उनका एफर्ट होता था कि वो जितना अचीवमेंट है जो मेल कल्चर है उसके इंटेलेक्चुअल के हिसाब से अपने आप को इक्वल कर पाए इनका कंसर्न ये था इस जो फेज था सेकंड फेज था जो फेमिनिस्ट तो इस टाइम पर इन्होंने कहा कि इस टाइम पर ऐसी वुमेन राइटिंग हुई है ऐसे तरीके से वुमेन्स ने लिखा है कि वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अगेंस्ट मेल स्टैंडर्ड्स के उनकी वैल्यूज के और अपने राइट्स को एडवोकेट कर रही हैं जैसे कि मैरी वोल्सटन क्राफ्ट ने लिखा है थर्ड फ्रीज इन्होंने कहा है फीमेल जो कि नाइनटीन से है तो इसमें ये कहती है कि इसमें हमें ना तो प्रोटेस्ट करना है ना ही हमें उनके इक्वल होने के लिए उनका इमिटेशन करना है यहाँ पर बात हो रही थी कि वन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कि उनका अपना क्या सेल्फ है उस चीज को इन्होंने डिस्कवर करना है यहाँ पर जो वुमेन्स थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इमिटेशन जो फर्स्ट फ्रेज था प्रोटेस्ट जो सेकंड फ्रेज था और उसकी जगह पर क्या आया कि अब वो वो लिखेंगे जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो वो लिखना चाहते हैं एंड आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू